ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगे इंडिगो की यूरोप के अंदर, अब कंपनी जो है इंडिया के अंदर तलाशने लग गई ऐसे जरिए, ऐसे रास्ते कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर आ जाए। 18th सेंचुरी के जो लास्ट दशक रहे उसमें इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल के अंदर बहुत तेजी से फैला और बंगाल इंडिगो जो था उसने पूरी दुनिया के जो मार्केट था उसके ऊपर एक तरह से अपना दबदबा बना लिया। 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो जो है वो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन के अंदर इंडिया से, पर 1810 तक आते आते प्रपोर्शन 95% तक राइज कर गया। अब जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ने लगा कमर्शियल एजेंट या जो ऑफिशियल थे कंपनी के, अब वो इंडिगो प्रोडक्शन में और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। कई सारे जैसे जैसे साल बीत रहे थे कई सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिगो का बिजनेस देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा मुनाफा दिख रहा था। तो बहुत सारे स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन इंडिया आ गए और यहाँ पर प्लांटर्स बन गए। जिनके पास कोई पैसा नहीं था इंडिगो प्रोड्यूस करने का, उन्होंने लोन्स ले लिए कंपनी से और बैंक से जो कि उस समय आ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 7 में एक स्लेव रिपोर्ट दिखाई गई है सेंट डोमिनिक की, अगस्त 1791 में ये पेंटिंग बनाई गई है जनवरी वोल्डोश्स की। 18th सेंचुरी में फ्रेंच प्लांटर्स जो थे उन्होंने इंडिगो और शुगर को फ्रेंच कॉलोनी जो सेंट डोमिनिक की थी कैरेबियन आइलैंड्स में वहां प्रोड्यूस करना शुरू किया। अब अफ्रीकन स्लेव्स जो कि वर्क करते थे प्लांटेशंस पे उन्होंने बगावत कर दी 1791 में, जिसमें उन्होंने प्लांटेशंस को जला दिया और बहुत सारे जो रिच प्लांटर्स थे उनको मार दिया। 1792 में फ्रांस ने स्लेवरी खत्म कर दी फ्रेंच कॉलोनीज में। इस घटनाओं के कारण या इन घटनाओं के कारण जो इंडिगो प्लांटेशन था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया कैरेबियन आइलैंड्स पर।